वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक निर्यातक विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत अपने लंबित बकाया का दावा 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन के जरिए कर सकते हैं। सरकार ने 9 सितंबर को विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यातकों के लंबित कर फंड के लिए 56,027 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की थी। निर्यातक भारत योजना MEIS के तहत वस्तुओं के निर्यात के लिए लंबित रिफंड का दावा कर सकते हैं। यह दावा 1 जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक और 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक और 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए किए गए निर्यात के लिए किया जा सकता है। भारत योजना के तहत सेवाओं के निर्यात SEIS के तहत 2018-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए आवेदन किया जा सकता है। MEIS, SEIS, ROSCTL, ROSL और 2% अतिरिक्त एडहॉक इंसेंटिव के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 अधिसूचित की गई है। हाल ही में सरकार ने निर्यातकों को राहत देते हुए रोड टेप स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम का पूरा नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। इस स्कीम को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया MEIS स्कीम से रिप्लेस किया जाएगा। फिलहाल रोड टेप स्कीम के लिए 12,500 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। इसी तरह कपड़ा निर्यातक ROSCTL योजना के तहत 7 मार्च 2019 से 31 दिसंबर 2020 के दौरान किए गए निर्यात के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर के बाद कोई और आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वे समय बाधित हो जाएंगे। इसके अलावा 16 दिसंबर 2021 को या उसके बाद जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट या प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से 12 महीने होगी। इस पर टिप्पणी करते हुए फियो के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि स्क्रिप आधारित योजनाओं के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि यह इन चुनौतीपूर्ण समय में निर्यातकों के सामने आने वाली कठिनाइयों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि DGFT को एप्लीकेशन पोर्टलों को चालू करने और उनके निरंतर काम को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगस्त के महीने में देश का निर्यात करीब 46% के उछाल के साथ 33.28 अरब डॉलर रहा। आयात में ज्यादा तेजी के कारण व्यापार घाटा 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अगस्त में कुल आयात में 51.72% का उछाल आया और यह आंकड़ा 47.09 अरब डॉलर रहा। अगस्त 2020 में देश का कुल आयात 31.03 अरब डॉलर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।